प्रश्न एक, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? सही जवाब फीमर, जो जॉग में होती है। प्रश्न दो, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? सही जवाब स्टेपीज, जो कान में होती है। प्रश्न तीन, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? सही जवाब मंडीबल, जो जबड़े में होती है। प्रश्न चार, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? उत्तर, हल्का गुलाबी। नोट, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। प्रश्न पांच, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? सही जवाब 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। प्रश्न छह, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? सही जवाब 90%। प्रश्न सात, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? सही जवाब 95%। प्रश्न आठ, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों कितनी होती है? सही जवाब, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। प्रश्न 9, नी शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? सही जवाब जम्मू कश्मीर। प्रश्न 10, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? सही जवाब 25%। प्रश्न 11, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? सही जवाब जाग। प्रश्न 12, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरवस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? सही जवाब ग्रॉस ने। प्रश्न 13, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है, यह कथन किसका है? सही जवाब है विंडहर्स्ट। प्रश्न 14, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य, जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है, करने में असमर्थ रहता है, यह किसने कहा? सही जवाब सिरिल बर्ट ने। प्रश्न 15, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? सही जवाब वेलेंटाइन। प्रश्न 16, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा? सही जवाब हीली ने। प्रश्न 17, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? सही जवाब बहुतत्व सिद्धांत को। प्रश्न 18, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? सही जवाब लेवेटर का। प्रश्न 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है? सही जवाब निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रश्न 20, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है? सही जवाब टर्मन एवं ओडन द्वारा। प्रश्न 21, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सही जवाब लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वास्थ्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। प्रश्न 22, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों होती है? सही जवाब 206 हड्डियों होती है, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियों होती है एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों 350 होती है। प्रश्न 23, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सही जवाब सिर से पैर की ओर, इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं। प्रश्न 24, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सही जवाब सिगमंड फ्रायड। प्रश्न 25, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? उत्तर, किशोर अवस्था को। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ